जाननी चाहिए. एक्चुअली हिस्ट्री बेस्ड मूवी है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये रानी कौन थी, हिस्ट्री में क्या हुआ था क्या नहीं. और मुझे नहीं लगता कि स्टोरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हुए हैं. जितना बवाल उठ रहा है अभी उतना नहीं होना चाहिए. आई थिंक इसको रिलीज़ होना चाहिए. तो फिल्म के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि पद्मावती हो या और कोई मूवी हो, कला को एज ए कला देखना चाहिए. वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है और ना ही वो दावा करते हैं ऐसा कि वैसा ही कुछ हुआ है, बल्कि वो फिक्शन है, वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है. मैं राजपूत हूँ, उदयपुर से हूँ मैं. और मैं ये बोलूँगा कि पद्मावती जो मूवी है वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भावनाओं के साथ बहुत सारी ठेस पहुँच रही है. इसलिए हम यही चाहेंगे हमारे सभी मित्र के ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए. बट जो मूवी होती है ओनली एंटरटेनमेंट के लिए होती है, उसे एंटरटेनमेंट सीमित रखें. अगर जैसे मैं खुद राजस्थान से राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और पद्मावती भी राजस्थान की हिस्ट्री पे बनी हुई है, तो उसको हिस्ट्री से ना जोड़ें. ये ओनली एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट रखें. हम तो नहीं जाएंगे और जो जाएंगे उसकी भी 12 बजे के आएंगे. ये फालतू कंट्रोवर्सी क्रिएट करना हिस्टोरिकल बातों पर, ये ठीक बात नहीं है. क्योंकि छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना लेना, जो बड़े इश्यूज हैं उनको छोड़कर छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाना, वो ठीक नहीं है. नहीं होनी चाहिए पिक्चर रिलीज़. एक्चुअली सब स्टेट्स अगर इसको मना कर रहे हैं, सब मिनिस्टर्स वगैरह इसके अगेंस्ट है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी है राजपूत वो इसके अगेंस्ट है, तो वो ऐसे अगेंस्ट में नहीं है. ज़रूर मूवी में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है. हिस्टोरिकल बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हिस्ट्री हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाती है, और दुनिया में लाइफ में हिस्ट्री हमेशा रिपीट कर होती है. मूवी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एक शर्त पे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई बात ना हो जिससे कोई किसी को मतलब दिलों का में हर चोट पहुँचे या कोई आहत हो. ऑब्वियसली बनाई जानी चाहिए. मतलब कॉन्ट्रोवर्सी फालतू की है. मतलब किसी के डांस करने से उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट दिसंबर से वेट कर रहे हैं इस मूवी का. और हम लोग तभी से प्लान ये शेड्यूल होता जा रहा है कि पद्मावती देखने जा रहा है. हाँ, और जो लोग इसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हमें उनसे पहले पूछना चाहिए कि उन्हें हिस्ट्री के बारे में कितनी नॉलेज है. उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं पता होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट कि वो लोग रिलीजियस टर्म्स को आगे ला के कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें अटेंशन सीख कर सके. होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, चलना चाहिए, अच्छी है. नहीं, लोग ऐसे ही कहते हैं, गलत है. एक ने जैसे कोई गांव में होता कुछ, अब वो आया एक की वजह सब भागे, वो इस तरीके से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो. एक ने कहा तो सब उसी के पीछे लग गए. तो आपको क्या लगता है ऐसी पिक्चर बनाई जानी चाहिए? हाँ, बनानी चाहिए, हिस्ट्री है ये सचमुच. सर रिलीज होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें किसी के जात पात के खिलाफ कुछ अगेंस्ट कुछ गलत दिखाया है तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए. और होनी भी चाहिए सर, तो उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को उनके धर्मों के खिलाफ ठेस ना पहुंचे. अब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि इस मूवी को रिलीज़ किया जाए, तो कहीं ना कहीं उस पैनल में बहुत टैलेंटेड लोग और बहुत थिंक टैंकर लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सोच के उन्होंने बोला होगा. सर अगर कोर्ट ने अप्रूवल दिया है तो 100% चलानी तो चाहिए, लेकिन सर जो लोगों का रिएक्शन है उनकी सोच में भी तो कुछ ना कुछ बदलाव लाने चाहिए कोर्ट को. उन्होंने तो कोर्ट ने तो कह दिया कि सर कि इस फिल्म में अप्रूवल दी जाएगी, हर जगह रिलीज़ की जाएगी, वो तो ठीक है सर उनकी बात ठीक है, लेकिन कोर्ट लोगों को बताने के लिए भी शोर होना चाहिए ना कि किस लिए रिलीज़ किया उन्होंने, उसका रीज़न भी कोर्ट को बताना चाहिए, तभी लोगों में समझ आएगी. वरना वो तो रिएक्शन करेंगे, वो तो फोड़ा फाड़ी करेंगे सर.